प्यार, इश्क, मोहब्बत, चाहत, अलग अलग नाम पर एक ही एहसास। एक ऐसा एहसास जो हमें मुश्किल से मुश्किल और कभी कभी नामुमकिन चीजों को मुमकिन बनाना सिखाता है। बिंदास के इस नए शो यह है आशिकी में मैं विक्रांत मैसी इस एहसास को और इस एहसास से जुड़ी कुछ अनोखी और अनसुनी कहानियां आप तक लाया हूं। कहानियां जिन्हें देखकर आपको पता चलेगा कि दुनिया में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। कहानियां जो शायद आपके लिए प्यार की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दे। नहीं मानते तो आइए आज मैं आपको मिलवाता हूं अनमोल और कोमल से, अहमदाबाद के जजेस बंगलो रोड पर रहने वाले दो पड़ोसी जो 6 साल की उम्र से एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। इतने अच्छे दोस्त कि उनकी दोस्ती कब कैसे प्यार में बदल गई उन्हें खुद नहीं पता चला। आइए। रोज सुबह मुझे ऐसे ही उठाना वरना सोना छोड़ दूंगी। आई बात समझ में? आई लव यू। गुड मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग पा। भाई मुझे लगता है मुझे अपनी ये डेली वॉक शॉक बंद कर देनी चाहिए। क्यों? अरे जब रोज तेरा ये हंसता हुआ चेहरा देखूंगा ना तो मुझे कुछ नहीं होगा। इस लड़की से तंग आ चुकी हूँ। रोज का ये रूटीन बन चुका है। वो अनमोल के लिए दालियां बनाएगी और मेरे लिए किचन में गंद घोल के रख देगी। मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि अनमोल की मम्मी उसके लिए खाना नहीं बनाती है क्या? अरे मम्मा आप भी ना, आपको पता है जैसे पापा को सिर्फ आपके हाथ का खाना पसंद है ना वैसे ही अनमोल को सिर्फ मेरे हाथ का खाना पसंद है। अब मैं जा रही हूँ वरना आप डांटोगे कि मैं हमेशा लेट होती रहती हूँ। अनमोल भी तो वेट कर रहे हैं मम्मी। किसी भी हालत में उस फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना है। माँ, आई एम सॉरी। मुझे पता है माँ आप मुझे और मेरी हेल्थ को लेकर बहुत परेशान हैं और जो मैंने किया शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। पर पता है ना माँ मुझे रेस करना बहुत पसंद है। जब मैं रेस करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उड़ रहा हूँ।
ना कोई रोक टोक, ना कोई बंदिश, सिर्फ मैं और खुला आसमान। हाय चैम, तो घर जाने के लिए तैयार? डॉक, रेस हो जाए। आज नहीं। भावना, आप मेरे साथ आइए। अनमोल का इस तरह से दौड़ लगाना ठीक नहीं है, और आप हर बार उसे मेरे पास यहां लेकर आ जाती हैं। आपको उसे समझाना होगा कि वो इस तरीके से अपने दिल पर जोर नहीं डाल सकता। वो जिस बीमारी के साथ पैदा हुआ है ना, उसने उसके दिल को इतना कमजोर कर दिया है कि एक और हादसा हुआ ना तो उसका सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल है। नो डॉक्टर, लेट हिम लिव। वो उड़ना चाहता है और मैं उसे बांध के रखना नहीं चाहती, उसे जीने देना चाहती हूं। समस्या क्या है तू अपने आप को? शट अप, जस्ट शट अप, क्योंकि तू कुछ भी करके ना, कुछ भी कह के इस स्टुपिडिटी को जस्टिफाई नहीं कर सकता। तू मुझे समझा? सोच क्या रहा था तू इस वक्त? कोमल, यू नो आई लव रनिंग एंड आई लव यू अनमोल, समस्या क्यों नहीं है तू? तू जानते जब तू ये स्टुपिड इडियोटिक चीजें करते हैं तो तू मुझसे वो चीज लेते जिसपे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। तेरा टाइम जो तूने मुझे प्रॉमिस किया है। ओके फाइन, लेकिन इतनी जोर से थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? ओवर एक्टिंग कौन करता है ऐसे? बीवियां। हेलो, अभी तेरी मेरी शादी नहीं हुई, मेरी बीवी नहीं है तू। चुप बे, हर मंडे तेरे लिए फास्ट रखती हूँ मैं। ओहो, 16 सोमवार एंड ऑल दैट। हां, इस ऑल दैट की वजह से ही ना तू आज रेस भाग पाए। ओह, और मैं तो भूल गई, ये ले तेरा रेस भागने का इनाम। अरे यार, वापस से दलिया मैं नहीं खा सकता, ना मसाला ना नमक ना कुछ, कुछ ढंग से नहीं होता यार। ये दलिया खाता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे लकड़ियां चूस रहा हूँ। मेरे होते हुए कभी नहीं अनमोल मेहता। धीरे, कहते हैं कि वक्त मुट्ठी में बंद रेत की तरह होता है। जितनी तेजी से मुट्ठी बंद करोगे उतनी ही तेजी से रेत हाथ से फिसलती चली जाएगी, और उतनी ही तेजी से वक्त, वो वक्त जो कोमल और अनमोल के पास बिल्कुल नहीं था। अनमोल के दिल की एक एक्सपायरी डेट थी, 2 साल, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं थी। हैरानी की बात यह है कि कोमल सब कुछ जानती थी, और ये सब जानने के बावजूद हर पल हर वक्त उसका प्यार अनमोल के लिए बढ़ता चला जा रहा है। अनमोल, कोमल, धीरे। कॉन्ग्रेट्स। क्या यार, हर साल टॉप कर करके बोर नहीं होता? तू भी तो नहीं होती ना, इस बार भी ग्रेस मार्क से पास हुई है। चल ट्रीट दे। तू पढ़ाई क्यों नहीं करती है? अब तो पढ़ना शुरू कर, अगर तुझे जरूरत हो तो मैं पढ़ा दूंगा तुझे। देख, तू बेफालतू में आंटी का बीपी बढ़ाती है। देख, मेरे पास ना एकदम तोड़फोड़ आइडिया है। हमारे फ्यूचर का ब्लूप्रिंट मेरे दिमाग में एकदम सेट है। शादी के बाद हम जाएंगे दिल्ली, और दिल्ली में रहेंगे हम एक ब्यूटीफुल से रो हाउस में। ऑब्वियसली ग्राउंड फ्लोर, क्योंकि घर के बाहर एक गार्डन भी तो होनी चाहिए, और गार्डन में ना एक बड़ा सा झूला हो, घुंघरू वाला। अरे यार, अपनी झूले के लिए मना मत करना, झूला इज अ मस्ट। आजकल सबके घर में एक झूला होता ही है। घर मैं डिसाइड करूंगी और गाड़ी तुम डिसाइड कर लेना। वैसे भी मुझे ना गाड़ियों के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है, पर नो बाइक्स, मुझे डर लगता है। सोचना, खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी और मुझे एंटरटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी। रोज रात को झूले पे बैठ के कॉफी पियेंगे, पर वो वाली कॉफी तू बनाएगा। रात को थक जाऊंगी ना, और फिर उसके बाद जब भी तुझे मेरी गोद में सर रख के ना सोना हो तो कर सकता है, कोई नहीं होगा, बस तू और मैं। Awesome idea ना एकदम।
मेरी जिंदगी का भी सॉलिड प्लान है, 2 साल, दैट्स इट। पता है मुझे, और उतने मेरे लिए काफी। हाँ बाद ना मूड खराब कर देता है। चल ट्रीट देनी है तुझे, ये सैड सी शक्ल बना के ना कोई ट्रीट देने से नहीं बचता। चल। अरे क्या सही लड़की है यार, कितनी हॉट लग रही है। चलो यार जल्दी से तैयार हो जाते हैं वरना फिर से लेट हो जाएंगे। क्या कर रहे हो तुम लोग? कोमल देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरा मतलब वो नहीं था। कोमल देखो मेरी एक बार बात सुनने की तो। कोमल देखो, कोमल मेरी बात समझने की कोशिश तो करो, मतलब बेशर्मियां बर्बादियां है इश्क की शैतानियां ये फितूर जो सर पे सवार हो जीना भी फिर दुश्वार हो इस रोग को कुछ सूझे ना कोई फर्क इसे बूझे ना ये हरारते उतरे नहीं जैसे सोचा था है सर फिरे ये आशिकी मदमस्त भी ये आशिकी कम वक्त भी ये आशिकी जो ये संचले जो ये रंग चढ़े रंग चढ़े क्या फिकर कोई क्या कहे किसकी मचाल कोई रोक ले किसकी मचाल कोई टोक दे इश्की जुनून रुके नहीं क्या हुआ? तेरी आशिकी वो मुझे स्पीड लिमिट से ज्यादा बुरी कोमल कोमल मेरी बात सुन कोमल मम्मी बहुत दर्द हो रहा है बहुत चोट लगी है आंटी कुछ ज्यादा नहीं लगी बस छोटा सा स्प्रे और आपको तो पता ही है ना हमेशा इस नौटंकी की ओवर एक्टिंग होती है नहीं मम्मा बहुत दर्द हो रहा है सच्ची में ये लड़की ना मेरा फोन चला के रहेगी जब देखो तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है इसके साथ आंखें बंद करके चल रही थी क्या हां अब आंखें मत घुमा वो भी अटक जाएंगी छोड़ो आ, आ, आ लगी है मां सिली गर्ल अरे इसको पकड़ जी मैं आती हूं क्या ज्यादा नहीं लगी वैसे एक बात बताओ हमें थोड़ा चेंज मिल गया मतलब मतलब ये हर बार मुझे हॉस्पिटल में देखने आना कितना बोरिंग सा हो गया था है ना हाँ हाँ अपनी बोरियत हटाने के लिए तुमने तुमने मुझे सीढ़ियों से ढकेल लिया क्या हाँ और नहीं तो क्या खुद गिरी मैं आगे खोलिए ना
ऑसम आइडिया मेरी लाइफ का भी, दो साल दैट्स इट। अच्छा सुन, मैं वॉशरूम जा रही हूँ, तू मम्मी के साथ है, ठीक है? आंखों पर तो जैसे पट्टी लगा के रखी है इस लड़की ने, सच्चाई सामने भी आ जाती तो इसे दिखाई नहीं देती। पगली, समझती है सच को झुकला देने से सच झूठ में बदल जाएगा। इसने तो अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे इर्द गिर्द बना के रखी है, ये जानते हुए भी कि पता नहीं कैसे जिएगी ये तुम्हारे बिना। अनमोल बेटा, मेरी एक बात मानोगे? मेरी इस पागल बच्ची को जीते जी अपने बिना जीना सिखा दो बेटा। कोमल अनमोल के बिना नहीं रह सकती थी, और अनमोल का रहना बस कुछ ही पल का है। ऐसे में अनमोल को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। I'm sure, इस मोड़ से गुजरना उसके लिए भी उतना ही मुश्किल था जितना कि कोमल के लिए। उसका डिसीजन क्या था? यही कि वो अपनी जिंदगी की डोर टूटने से पहले कोमल का दिल तोड़ दे ताकि वो ना टूटे। हम दोनों ने तो डिसाइड किया था कि हम दिल्ली जाएंगे ना। हम दोनों नहीं कोमल, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे जाना है। पर तूने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, एक बार मुझसे पूछा तक नहीं। पूछा? ये मेरी लाइफ है, मैं कोई भी डिसीजन कभी भी ले सकता हूँ। जी नहीं, ये सिर्फ तेरी लाइफ नहीं है, और तुझे कोई हक नहीं इसे रैंडम से डिसीजन लेने का। ये हक तूने 6 साल की उम्र में गवा दी थी। तो ये मेरी लाइफ गा रहा है ना, ये लाइफ तूने मुझे प्रॉमिस की है। देखो, मैंने सुना है जब इंसान मरता है ना तो उसे 12 सांसें जीने के लिए मिलती है। मैं चाहता हूं जब मेरा वक्त आए तो सांसें बिना किसी रिग्रेट के ले सकूं, अधूरा नहीं छोड़। नहीं जानती अनमोल कि ये सब सच है या नहीं, पर अगर ये सच तो मैं चाहती हूं कि तेरी आखिरी सांसें मेरे साथ हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मैं अधूरी रह जाऊंगी। तू पागल है क्या? ये कैसी जिद है? देख, मुझे ये करना है अपने लिए। मैं जानती हूं तुझे लगता है तू मुझे छोड़ देगा, मेरा दिल तोड़ देगा और मैं तुझे भूल जाऊंगी। तू जितना भी हीरो बन ले, जितनी भी कोशिश कर, हम हमेशा साथ रहेंगे। अगर तुझे अपनी प्रॉमिसेस याद नहीं तो इट्स ओके, मैं तुझे अपनी प्रॉमिस नहीं तोड़ने दूंगी। माँ, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे लिए जाना ऐसे ही इतना मुश्किल है, आप मेरी स्ट्रेंथ हो, और अगर आप ही ऐसा करोगे तो तेरे लिए क्या मुश्किल है? तू तो मुझे छोड़कर जा रहा है ना, वैसे ही कुछ खास वक्त नहीं बचा तेरा मेरे साथ, और उस बचे हुए वक्त में से भी तू मुझसे दूर रहकर गुजारना चाहता है, ऊपर से चाहता है कि मैं तुझे हंस के विदा करूं। इतनी हिम्मत नहीं है मुझमें। माँ, ये सब मैं आपसे दूर रहने के लिए थोड़ी ना कर रहा हूं, मैं तो बस हॉस्टल लाइफ देखना चाहता हूं।
मुंबई जाकर नई दोस्त बनाना चाहता हूँ, नई जिंदगी जीना चाहता हूँ, दैट्स इट। माँ हूँ मैं तेरी, मैं तेरे बहाने भी जानती हूँ और तेरी सच्चाई भी जानती हूँ। माँ ये मेरे साथ क्या हो रहा है? प्लीज माँ, माँ मैं जीना चाहता, माँ मैं मरना नहीं चाहता। देखा आपने, उम्र कितनी छोटी सी है लेकिन दिल कितना बड़ा है। अनमोल को देख के ये कोई नहीं कह सकता कि वो इतना कमजोर है, या फिर उसकी ये रेयर दिल की बीमारी उसे जीने के लिए सिर्फ 2 साल का वक्त देगी। अनमोल को ये बात काफी टाइम से पता थी, लेकिन अब अनमोल से कोमल के प्यार का भार नहीं उठाया जा रहा था, और एक दिन उसने शहर छोड़ के जाने का फैसला कर लिया, अपनी मॉम से, सबसे, अपने कंफर्ट जोन के बाहर, ताकि कोमल उसके बिना जीना सीख ले। इस ईयर के टॉपर को वेलकम करने के लिए हमने पिछले साल के टॉपर शेखर रावत को चुना है। शेखर, और इस साल की हमारी टॉपर है मिस कोमल देसाई। आप सबकी तरह मैंने भी बहुत मेहनत की, दिन रात बहुत पढ़ाई की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और आप सबकी तरह मैं भी बहुत खुश हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि आप में और मुझ में फर्क क्या है। मैं बताती हूँ, आप सब यहाँ आए हैं अपने अपने करियर्स बनाने, इंजीनियर्स बनने, वेरी गुड, पर मैं यहाँ आई हूँ अपने प्यार के लिए। अनमोल, अनमोल क्या कहा था मैंने? इतनी आसानी से कभी नहीं। तू कहीं पे भी चले जा, कुछ भी कर ले, इतनी आसानी से मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। आई लव यू अनमोल। प्यार करती हूँ तुझे, ऐसे कभी नहीं छोड़ूंगी। अब पता कहाँ जाएगा, कहाँ भागेगा तू? अरे अनमोल, अब कहाँ छुपने जा रहा है? अनमोल, एक सेकेंड। पागल है क्या? हाँ। मजाक नहीं यार, तेरी वजह से आज मुझे भी डांट पड़ गई। सेशन का पहला दिन और सीधा डीन के ऑफिस में। रेस्टिकेट कर देता तो? कुछ नहीं करता। टॉपर हूँ मैं और तू मेरे बाद है। वार्निंग देता और कुछ नहीं। क्यों इतनी स्ट्रगल कर रहा है? देख, तू जानता है मुझसे दूर रहने के लिए तू कुछ नहीं कर सकता, और मैं तेरे पास रहने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। देख, क्या तूने कभी किसी को अपने परछाई से भागते हुए या उसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हुए देखा है? नहीं ना। क्यों इतना थक? कुछ नहीं होगा। देख, तेरी वजह से मेरा मजाक बन गया है। लुक एट एवरीवन, सब हंस रहे हैं मुझ पे। जाने दे। अच्छा सुन, हम जा कर रहे ये यार, कभी देखा तूने आज तक ऐसा कुछ? प्यार का ऐसा रिएक्शन मैं खुद आज पहली बार देख रहा हूं। हाँ आंटी, पहले उससे बहुत नौटंकी की और अब छुप छुप के दलिया खा रहे हैं। जी जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना यहाँ पे, मैं उसका ख्याल रखूंगी। ओके बाय। हे कोमल, वांटेड टू आस्क यू समथिंग। बोलो। क्या कर रहे हो आज शाम को? लेट्स गो आउट फॉर डिनर और अ मूवी, या फिर दोनों? आई मीन द चॉइस इज योर्स। शेखर, तुम जानते हो आई हैव अ बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड?
वही जो तुमसे हमेशा दूर भागता रहता है। आई डोंट नो, तुमने उसमें लुक एट यू आर सो ब्यूटीफुल एंड ही इज नथिंग। ओह, तो तुम्हें लगता है कि तुम बहुत हैंडसम है। नहीं अर्का, सुना मैं तुझे कैसा लगता हूँ? अरे बोलना। Are you kind of asking me out? पागल है क्या? कुछ भी सोचती है। मैं तो उसको एक पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे शेखर, तुम जितनी भी कोशिश कर लो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ अनमोल दिखाई देता है और सिर्फ अनमोल सुनाई देता है। शेखर रावत, हैंडसम, इंटेलिजेंट, कॉलेज का टॉपर, स्पोर्ट्स चैंपियन, मतलब कि हर मायने में किसी भी लड़की के लिए परफेक्ट। लेकिन प्यार व्यार में दिलचस्पी नहीं थी उसकी। लेकिन कोमल को देख के और अनमोल के लिए कोमल का प्यार देख के प्यार को थोड़े करीब से देखने का मन कर रहा था शेखर का। तो कोमल को कब से जानता है? जब से हम 6 साल के थे तब से। और वो हमेशा से ऐसी थी? ऐसी थी मतलब? अनमोल, कोमल तू यहाँ बॉयज हॉस्टल में इतनी रात को, तू पागल है क्या? क्या करने आया यहाँ पे? देख अगर डिंगी देख लेना तुझे और मुझे दोनों को रेस्टिकेट कर देगा, जा यहाँ से। अरे बड़ा बदतमीज है, तुझसे मिलने आई हूँ, तुझसे बात करने आई हूँ, प्लीज मेरी बात सुन। कोमल तू जा, बात तो मैं करूंगा तुझसे, वो भी कल, जा यहाँ से। चल अनमोल, क्या हो रहा है यहाँ पर? यू कैन नॉट बी हियर, तुमने बुलाया इसे? नो सर। यंग लेडी, इन माय ऑफिस राइट नाउ। लूजर, कितना सैड है ना तू, इतनी अमेजिंग लड़की और तुझे उसकी वैल्यू नहीं, पता तू उसके प्यार के काबिल ही नहीं है। तू हमारे प्यार को कभी समझ ही नहीं सकता। पता है क्या, तेरी खुश नसीबी है कि तू उससे पहले मिला। मैं तुझसे हर मामले में, हर चीज में तुझसे बेटर हूं। अगर वो पहले मुझसे मिलती ना तो मेरे साथ होती, तुझसे उसे के साथ नहीं, और उसकी चॉइस एक लूजर नहीं होती। तुझे मुझे जो बोलना है बोल। लेकिन कोमल का प्यार लूजर नहीं हो सकता, कोमल किसी लूजर से प्यार कर ही नहीं सकती। तो क्या है तू, तो मुझे आ रहेगा? बता किस चीज में आ रहेगा? लेट्स रेस, यहां से निकल के नीचे जाकर जो पहले फ्लैगपोल को टच करेगा वो जीत जाएगा। व्हाट से? शादी के बाद हम जाएंगे दिल्ली और दिल्ली में रहेंगे ब्यूटीफुल से रहोगे। मामी, हम आपको बहुत बड़ा असाइनमेंट करने वाले हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए। बाय। मेरी एक बात मानोगे? मेरी इस पागल बच्ची को जीते जी अपने बिना जीना सिखा दो बेटा। गो, गो, गो। अनमोल और शेखर की रेस हो रही है। क्या? हाँ, कोई शर्त लगी दोनों के बीच में, अभी अभी शुरू हुई है। यार का बोल क्या रही है तू? अनमोल भाग नहीं सकता, अनमोल मर जाएगा।
कुर्बान होना, ये एक ऐसी अदा है जो सिर्फ प्यार करने वालों को आती है, सच्चा प्यार करने वालों को, कोमल और अनमोल जैसे लोगों को। तो दलिये नहीं लाई ना, नहीं खा सकता यार, लकड़ी जैसा स्वाद। तेरी स्माइल, चांस ही नहीं था मुझ बेचारे के पास। कहीं और ले जा, पता है जब मैं तुझसे पहली बार मिली थी, जब तुझसे प्यार हुआ था, तो मुझे पता था कि ये दिन जरूर आएगा। सबको लगता था कि मैं अपनी आंखें बंद कर रही हूं, सच्चाई को नहीं देख रही, पर सच्चाई तो मैंने बहुत पहले ही एक्सेप्ट कर ली थी, इसलिए मैंने तुझे डिफरेंटली प्यार किया। तेरे साथ एक सेकंड में एक घंटा और एक घंटे में एक महीना जी लिया। कोमल, कोमल, आप, मैं याद, मैंने कहा था ना कि मरने से पहले सबको 12 साल से मिलते हैं। मेरे पास सिर्फ 12 साल से है कोमल, और तुम मेरे पास। मुझे अपनी 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 आखिरी 12 साल से दे दो, वो भी हमेशा अपने साथ अपने अंदर रखूंगी। अपनी प्रॉमिस पूरी करोगी ना?
अनमोल के जाने के बाद कोमल ने अपनी जिंदगी पूरी तरह खुल के जी और वो अब भी उसकी यादों में जिंदा है और हमेशा रहेगा। लेकिन हाँ, जाने से पहले मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ, एक ऐसे शख्स जिनकी अपनी खुद की लव स्टोरी कुछ ऐसी है। हम एक दूसरे को बचपन से जानते थे, साथ में स्कूलिंग किया है, सेम एरिया में पले बड़े हैं। कॉलेज जाके पता चला कि हम एक दूसरे से प्यार है। सब बहुत अच्छा चल रहा था जब तक मुझे पता चला कि उसको ओरल कैंसर है। मैं जानती थी कि वो पूरा टाइम तो मेरे साथ रह नहीं पाएगा, तो जितना टाइम था उसके साथ ही रह थी। मैं सोचती हूँ कि अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो उसके सारे दर्द और तकलीफ़ों को सहन करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने भी वही किया, वो आज भी मेरे दिल में जिंदा और हमेशा रहे, और मैं उससे मरते दम तक प्यार करती रहूँगी हमेशा। अनमोल और कोमल को याद करके आज आप भी अपने दिल की बात जिससे कहनी है कह दीजिए, क्योंकि जिंदगी जो है ये बहुत ही छोटी सी है जनाब, इसे ऐसे छुप छुप के जीने में कोई मजा नहीं। जाइए, हाथ थामिए, तारे देखिए और अपनी 12 सांसें किसी और के नाम करने का वादा कर दीजिए। ये आशिकी।